नमस्कार, मैं भूपेंद्र रावत और आज हम बात करेंगे भारत में कोरोना की चपेट में आने के बाद लॉन्ग आउट के 5 अप्रैल को। और 5 अप्रैल को हमारे देश की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बड़ी चतुराई के साथ में आज क्या कहा, सारे लोग रात को 9 बजे अपने घर में अंधेरा करके 9 मिनट के लिए मोबाइल की लाइट जलाएंगे, मोमबत्ती जलाएंगे और दीपक जलाएंगे। जानते हैं क्यों? क्योंकि 1980 में भारतीय जनता पार्टी का जो गठन किया गया था 6 अप्रैल को, 5 अप्रैल 1980 को भारतीय जनता पार्टी का संविधान लिखा गया था और इसलिए भारतीय जनता पार्टी के जश्न के तौर पर, भारतीय जनता पार्टी के स्थापना दिवस की पूर्व संध्या पर भारतवासी दीप जला करके, ज्योत जला करके, टॉर्च जला करके, मोमबत्ती जला करके जश्न मनाएंगे, स्वागत करेंगे और देश कोरोना की चपेट में है। आप लोगों को इसके पिछला हिस्सा बताता हूँ। भारतीय जनता पार्टी की सरकार मध्य प्रदेश में बननी तय हो चुकी है क्योंकि सुप्रीम कोर्ट 19 मार्च को त्याग पत्र दे चुके कमलनाथ की पार्टी के विधायक, जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सरकार एक दिन के अंदर फैसला ले। क्या फैसला लेना था? जिन विधायकों ने घोड़ों की तरह बिक करके विधानसभा बेच दी थी, अपनी सदस्यता बेच दी थी, उनकी सदस्यता खत्म होने पर कमलनाथ की सरकार की विदाई तय हो चुकी थी। इसलिए 19 तारीख की शाम को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इससे पहले भी राष्ट्र को संबोधित करने के लिए आए और क्या कहा, 4 दिन बाद क्या करेंगे, आप बजाना ताली और थाली, आप बजाना घंटी और घड़ियाल। किस लिए? क्योंकि तय हो चुका था कि जो सरकार मध्य प्रदेश में लोकतांत्रिक तरीके से चुनी गई थी कमलनाथ की, उसमें लोकतांत्रिक तरीके से चुनी गई सरकार को पैसे के बूते खरीद फरोख्त करके गिरा करके शिवराज सिंह चौहान की सरकार बनना तय हो चुका था। मैं ये बात इसलिए कहना चाह रहा हूँ, लेकिन यही नहीं, इस पूरे प्रक्रिया की तरफ मैं आप सब लोगों का ध्यान दिलाना चाहता हूँ। वो क्या कारण है? आपने देखा हमारे देश के अंदर वो क्या कारण है कि सरकार को विपक्ष भी आघात करता रहा। हमारे दुनिया में विश्व स्वास्थ्य संगठन बार बार इसको आघात करता रहा हर तरीके से, लेकिन किसी भी कीमत पर, किसी भी दशा में। हैरानगी की बात है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार के कानों पर चू नहीं रेंगी। क्यों नहीं रेंगी होगी? क्या कारण है कोरोना की चपेट में धकेलने का? इसके पहले का, जब विश्व, अमेरिका और तमाम देश भी मान चुके थे, क्योंकि 8 दिसंबर को COVID-19 की पुष्टि चीन में हो चुकी थी, उसके खतरे की का अलार्म बज चुका था, बावजूद इसके मोदी जी का ध्यान उधर नहीं था। क्यों? क्योंकि 21 दिसंबर को मध्य प्रदेश की विधानसभा में कांग्रेस के 15 विधायक अलग से बगावत करके अपना अलग ग्रुप बना चुकी थी और मोदी सरकार संघ परिवार को यह पता लग गया था, तय हो चुका था कि अब कमलनाथ की सरकार गिरनी तय है। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि 21 दिसंबर को विधानसभा में 15 विधायक अपना अलग गुट बनाते हैं कमलनाथ की पार्टी के, और ठीक 23 मार्च को शिवराज सिंह चौहान के शपथ ग्रहण का दिन होता है और उसी दिन संसद में आखिरी दिन होता है। इसको समझना पड़ेगा। इस बीच में मैं पहले बता चुका हूँ, चाहे वह अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप के स्वागत के लिए 70,000 लोगों का जमवाड़ा करना हो क्योंकि उन्हें चुनाव जिताना है अमेरिका में, चाहे भारत की राजधानी दिल्ली के विधानसभा चुनाव में रैली और रैले करने का क्रम रहा हो, उसको बिल्कुल नहीं छोड़ा गया। लेकिन सबसे अहम सवाल जो मैं आपसे बताना चाहता हूँ, राष्ट्र की राजधानी दिल्ली सरकार ने 50 से ज़्यादा लोगों के एक जगह एकत्र होने पर 16 मार्च को प्रतिबंध लगा दिया था और दिल्ली सरकार के द्वारा लगाए गए प्रतिबंध का उल्लंघन यदि किसी ने किया लगातार
तो भारत सरकार ने, मोदी सरकार ने पूरे 7 दिन 23 मार्च तक संसद का संचालन किया, जिसमें लोकसभा और राज्यसभा के 782 सदस्य बैठते हैं। इसके अलावा वहाँ पर जो कर्मचारी और अधिकारी होते हैं और जो पत्रकार और सुरक्षा व्यवस्था होती है, इसका मतलब है कि संसद के संचालन में हजारों लोग रोजाना 7 दिन तक दिल्ली सरकार के एक जगह 50 लोगों के एकत्र होने के कायदे कानून और सूचना और अध्यादेश का खारिज करते रहे। तो क्या है क्रोनोलॉजी समझना पड़ेगा। और राजधानी दिल्ली की सरकार ने भी अपने ही द्वारा तय किए गए नियम को खारिज करके 23 मार्च को दिल्ली में विधानसभा का एक दिन का सत्र का आयोजन किया। और उसी दिन उसमें दिल्ली विधानसभा में 70 ज़्यादा विधायक हैं, नियम बनाया कि 50 से ज़्यादा एक जगह इकट्ठे नहीं हो सकते हैं। अब मैं दूसरी बात, ये बात आप समझ गए क्रोनोलॉजी, कि जनता यदि 50 से ज़्यादा एकत्र होती है तो उन पर कानूनी कार्यवाही की जाएगी। और देश की संसद और देश की विधानसभा, हमारे देश में 50 से ज़्यादा लोगों की राजधानी दिल्ली में एक जगह एकत्र होने के कानून का खारिज करेगी, उसका उल्लंघन करती रहेगी, तो उनके खिलाफ किसी तरीके का कानून नहीं लागू होता है। जबकि हमारा देश का संविधान सबको बराबर हक देता है। एक बात। दूसरा सवाल, जिस दिन 23 तारीख को राजधानी दिल्ली की विधानसभा का सत्र का आयोजन किया गया, जिस दिन संसद सत्र का आखिरी दिन था सत्र का, उसी दिन तबलीगी जमात के जलसे में शामिल जो लोग सीमाएं बंद होने के कारण फंस चुके थे मरकज में, उनको उनके घरों की वापसी के लिए मरकज के पदाधिकारियों की टीम निजामुद्दीन थाने के SHO से गिरराती रही, आग्रह करती रही कि हमारे को पास दिया जाए ताकि जो सीमाएं सील हो चुकी हैं हम वहां से अपने लोगों को उनके घर तक पहुंचा दें। पर चूंकि तबलीगी जमात मरकज में मुसलमान थे, इसलिए 23 तारीख को ना तो मोदी सरकार की पुलिस ने अनुमति दी और उन्होंने SDM के पास आग्रह किया, तो अरविंद केजरीवाल की सरकार ने भी उन्हें अनुमति नहीं दी। मैं ये बात इसलिए कहना चाह रहा हूँ, आप सब लोग सुनिए, कितने बड़ी चालाकी के साथ में तबलीगी जमात के जलसे में शामिल लोगों को मरकज में ही फंसा के रखा दोनों सरकारों ने, अरविंद केजरीवाल की सरकार और मोदी सरकार ने, ताकि जो चीन से चला कोरोना है वो कोरोना कैसे हिंदू और मुसलमान बन सके, उसकी पटकथा लिखी गई थी। मैं 23 तारीख से और आगे चलता हूँ, 27 मार्च को 24 मार्च को आप सबको मालूम है कि रात को 8 बजे आधा घंटे तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्र को संबोधित करके और 12 बजे से पूरे देश को लॉकडाउन कर दिया था, उसका कारण पूरे देश में तालाबंदी जिसको कहते हैं कर दिया था, तमाम रेल और बसों का प्रचलन बंद कर दिया गया। और उसकी परिणति क्या हुई, उसकी परिणति ये हुई कि लोग जहां थे वहां फंस गए। और इस बीच में देखा गया कि 1500 गुजराती हरिद्वार और देहरादून में लॉकडाउन के कारण छिपे हुए थे। और फिर उत्तराखंड की सरकार ने 1 करोड़ रुपए खर्च करके बसों में बाइज्जत उनको गुजरात पहुंचाया। हर जिस दिन 2020 में 24 मार्च को लॉकडाउन किया गया, हर लाखों लाख मजदूर भारत के जगर महानगर शहरों में, उनके पास खाने के लिए राशन नहीं था, उनके काम धाम साहब ने एक ही झटके में छीन डाले, तो उनके पास राशन नहीं, पानी नहीं, पैसा नहीं, रात को तो कुछ हो नहीं सकता था। और भूखे प्यासे देश के गैर गुजराती, उत्तर प्रदेश के, बिहार के, राजस्थान के, बंगाल के, मध्य प्रदेश के और तमाम उत्तराखंड के अलग अलग राज्यों के लोग पैदल जहां जहां थे वहां से अपने घरों को पैदल भूखे और प्यासे अपने परिवार सहित चलते बने। गुजरातियों के लिए जो छिपे हुए थे उत्तराखंड में, उनके लिए बसें लगाकर 1 करोड़ रुपए खर्च करके इज्जत के साथ गुजरात पहुंचाया गया। और जो गैर गुजराती थे उन सबको विवश किया गया पैदल चलने के लिए। हर हर जगह पुलिस ने उन्हें पकड़ा, पीटा, कूटा, उनके शरीर से खाल निकाली, यहां तक कि
उत्तर प्रदेश में एक दलित युवा जो फरीदाबाद से गया था, अपमानित होकर प्रेमी से पीटने के बाद उसने आत्महत्या कर डाली। मैं ये बात इसलिए कह रहा हूँ कि समझना पड़ेगा भारतवासियों कि हमारा देश कोरोना की चपेट में क्यों फंसाया गया, क्योंकि भारत सरकार का सारा ध्यान मध्य प्रदेश में कमलनाथ की सरकार को गिरा करके वहां भाजपा की सरकार बनाने पर केंद्रित था। इसलिए भारतीय जनता पार्टी के रडार में कहीं भी कोरोना का भय नहीं था। दूसरी बात मैं दूसरा जिक्र करना चाहता हूं। मैं इसमें यह नहीं कह रहा हूं कि राहुल गांधी विपक्ष के नेता ने कितनी बार आगाह किया, जब राहुल गांधी बोलते थे तब मोदी सरकार कहती थी डराया जा रहा है। लेकिन मैं दूसरी बात कहना चाह रहा हूं, आप सब लोग सोचिए कि गुजरात के 1500 लोग जो हरिद्वार देहरादून में छिपे थे उनको बसों में बिठाकर 1 करोड़ रुपए खर्च करके गुजरात पहुंचाया जाता है, और जो तबलीगी जमात के जलसे में शामिल होने के लिए जो लोग सीमाशील होने के कारण फंस चुके थे उन लोगों को दिल्ली की अरविंद केजरीवाल की सरकार और मोदी सरकार मरकज से उनके घर वापसी जाने की अनुमति नहीं देती है। इसको आप समझ लीजिएगा गुजराती और गैर गुजरातियों में अंतर। आप समझ लीजिएगा गुजराती जो फंसे हुए थे नहीं छुपे हुए थे उनको बसों में पहुंचाया गया, और गैर गुजराती उत्तर प्रदेश के बिहार तमाम राज्यों के पैदल चलाए गए भूखे और प्यासे और उनकी खाल उतारी गई। ये आपको समझना पड़ेगा। और तीसरी बात आपको समझनी पड़ेगी, वो क्या है, हमारे देश में 1 अप्रैल को, आप देखिए बड़ी रोचक बात बताता हूं, जब 27 मार्च को गुजरात के छिपे हुए 1500 लोगों को बसों में बिठाकर गुजरात भेजा जाता है, उसके बाद हमारे देश के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल जाते हैं तबलीगी जमात के मरकज पर, मरकज मतलब उनका जो सेंटर है उस पर जाते हैं, और क्या होता है वहां मौलवी जो 7 कांदबी हैं वो गायब हो जाते हैं। और 31 तारीख को बड़ी रोचक बात हम कहना चाहते हैं कि मरकज पर आईपीसी की धारा 269, 270, 271, 120 बी और एपिडेमिक डिजीज की के एक्ट 1897 की धारा 3 के तहत मुकदमा दर्ज किया जाता है। लेकिन 16 तारीख से लेकर के निरंतर 23 तारीख तक 50 से ज्यादा लोगों को एकत्र करके संसद सत्र चलाने पर लोकसभा स्पीकर पर और मोदी सरकार पर मुकदमा दर्ज नहीं होता है। एक दिन नहीं 7 दिन के 7 मुकदमे दर्ज होने चाहिए, वो नहीं होते। और दूसरा, अरविंद केजरीवाल की सरकार पर भी 50 से ज्यादा लोगों को दिल्ली की विधानसभा का सत्र का आयोजन करके 23 तारीख को उस पर भी मुकदमा दर्ज नहीं होता है। तबलीगी जमात के लोगों को मरकज से बाहर भी, उनके पास गाड़ियां थी, उनकी गाड़ियों को जाने की परमिशन नहीं दी जाती है, हर गुजरात के छिपे हुए लोगों को बसों में पहुंचाया जाता है। गुजरात के लोगों को बसों में इज्जत से पहुंचाया जाता है और यूपी बिहार के लोगों की खाल उतारी जाती है। और मैं और बताता हूं, 1 अप्रैल को मरकज से निकाले हुए लोगों को खाली कराया जाता है मरकज को, और विदेशी 200 लोग बसों में यात्रा करते हुए इंडिया गेट से गुजरते हैं, पुलिस उनसे ज्यादा सवाल जवाब नहीं कर सकती है। वो कहते हैं कि देखिए हमको तो छूट है, हम तो एयरपोर्ट जाने की। तो हम अब आपसे ये कहना चाह रहे हैं, यह मसला आपको बता दूं कि ये क्रोनोलॉजी क्या है। एक, आप सब लोग समझ गए होंगे कि भारतीय जनता पार्टी संघ परिवार को देश और देश में कोरोना से कोई सरोकार नहीं है। उसका लक्ष्य और उसका टारगेट था कि 21 दिसंबर को 15 विधायक बगावत कर चुके हैं, किस तरीके से कमलनाथ की सरकार ढाई जाए, और जब तक सरकार नहीं बनेगी तब तक कोरोना की तरफ ध्यान न दिया जाए। दूसरा, आपने देखा गुजराती जो लोग छिपे हुए थे उनको बसें उपलब्ध कराई गई, और तबलीगी जमात के मरकज पे तबलीगी जमात के जलसे में शामिल लोगों को जानबूझ करके फंसा कर रखा गया क्योंकि मुसलमानों ने अनुमति नहीं दी गई। ये आप समझ लीजिएगा दूसरा बात। और तीसरा बात,
कि देश के अलग अलग राज्यों से जो लोग अपने घरों के लिए लाखों लाख लोग, उनको बस और रेल उपलब्ध नहीं कराई गई, पानी और खाना उपलब्ध नहीं कराया गया, उन सबको लाठियां उनके शरीर पर बरसाई गई। अब आप समझ लीजिएगा कि गुजरातियों को बस में पहुंचाया जाता है और गैर गुजरातियों को पैदल चलाकर भूखे प्यासे और पुलिस की लाठियों से पिटवाया जाता है। ये बात आपको समझनी पड़ेगी। दूसरा, जब तक शिवराज सिंह सवाल चौहान की ताजपोशी का रास्ता क्लियर नहीं हो पाया, तब तक कोरोना के मसले में हमारे देश के फर्जी डिग्री वाले चौकीदार मौन रहे। और जैसे ही क्लियर हो गया कि अब शिवराज सिंह सरकार बन सकती है, तो तत्काल राष्ट्र के नाम पर संबोधन कर डाला, कहा 22 तारीख को ताली बजाए, थाली बजाए, घंटी और घड़ियाल बजाए। अब क्या होगा इससे, घंटी घड़ियाल से? वो स्वागत समारोह किसका? कमलनाथ जी की, कमलनाथ की सरकार की विदाई और भाजपा की ताजपोशी का जश्न। और आज जो हम जिक्र कर रहे हैं, आज भी क्या है, आज भारतीय जनता पार्टी के गठन का, पर अगर मैं कहूं तो 39वां साल पूरा हो चुका है। और आज ही के दिन 1980 में 5 अप्रैल को भारतीय जनता पार्टी का संविधान बनाया गया था। अब आप सब लोगों से मैं आग्रह करना चाहता हूं, जो गुजरातियों को बसों में पहुंचाने का काम करते हो और गैर गुजरातियों की खाल उतार रहा दो पुलिस से, क्या ऐसे नालायकों की अपील को स्वीकार करना चाहिए? आपसे सवाल करता हूं। जो देश में लोकतांत्रिक तरीके से चुनी गई सरकार को पैसे के बूते खरीद कर ढा गिरा दे और मध्य प्रदेश के मतदाताओं का अपमान करके चुनी हुई सरकार को गिरा करके दूसरी सरकार बना दे, क्या उनकी अपील स्वीकार करनी चाहिए? क्या उनकी अपील स्वीकार करनी चाहिए जिन्होंने 27 मार्च को हरिद्वार देहरादून में छिपे 1500 गुजरातियों को ढूंढ करके बसों में इज्जत बिठा करके गुजरात पहुंचवाया और गुजरात से आ रहे 100 उत्तराखंड के लोगों को हरियाणा के बॉर्डर पर देर रात को बस से उतरवाया, उनका स्वागत करना चाहिए, उनकी बात का सम्मान करना चाहिए? जिन लोगों ने अपने लोकसभा सत्र चलाए, विधानसभा सत्र चलाए और तबलीगी जमात के जलसे में शामिल मरकज में फंसे हुए लोगों को जाने का पास नहीं दिया और फिर इसको चीन से चले हुए कोरोना को, जो मैंने पहले कहा सरकार ने इसलिए तबलीगी जमात के जलसे में शामिल मरकज में फंसे हुए लोगों को उनके घर जाने के लिए पास नहीं दिया, तब क्योंकि वो मुसलमान थे और उन्हीं का अनुसरण करते हुए पत्रकार जो करते जिहादी कोरोना कोरोना बांट रहे हैं, कोरोना से इटली बना रहे हैं, कोरोना परोस रहे हैं, वो सब पत्रकार नरेंद्र मोदी और अमित शाह के नक्शे कदम पर, जिस तरह गुजराती गैर मुसलमानों को 1500 को ले जाने का, गैर गुजरातियों की खाल उतारने का और मुसलमानों को तबलीगी जमात के मरकज से फंसाए रखने का खेल था, हम आपको यह कहना चाह रहे हैं कि इसीलिए चीन से चला चीनी कोरोना पूरे विश्व में 200 देशों को चपेट में लेकर के भारत की राजधानी दिल्ली में वो किस तरीके से हिंदू और मुसलमान बने, कोरोना भी हिंदू और मुसलमान हो जाए, उसके पटकथा राजधानी दिल्ली की आम आदमी पार्टी की सरकार और मोदी सरकार ने मिलकर लिखी। यही कारण है कि तबलीगी जमात में शामिल जो लोग थे, तबलीगी जमात के जलसे में शामिल उन लोगों को मरकज से बाहर जाने के लिए तब 23 तारीख को पूरा कर्फ्यू नहीं था, सिर्फ सीमाएं सील थी, सीमाएं सील रखी गई हैं। इस षड्यंत्र को आप सब लोगों को समझना पड़ेगा और मैं आपसे आग्रह करता हूं, ताली बजाने से, थाली बजाने से, घंटी और घड़ियाल बजाने से कोरोना नहीं भागा। जिन लोगों ने गौमूत्र की पार्टियां की मोदी जी के हनुमानों ने और कहा गोबर खाओ गाय कर गोबर का लेप करो, उसे भी कोरोना नहीं भागा। और मैं आपको दावे से कह रहा हूं, आज भारतीय जनता पार्टी का संविधान के स्थापना दिवस है, संविधान लिखने का स्थापना दिवस है। आज अपने घरों में अंधकार करके आप अगर मोबाइल की लाइट और मोमबत्ती और क्या है दीपक जलाएंगे, तो निश्चित तौर पर मैं एक बात कहना चाहता हूं, आज जो लोग गैर गुजरातियों के शरीर पर से खाल उतरवाने के पक्षधर हैं कि पुलिस से पिटवाया मोदी ने जगह जगह,
जो लोग चाहते हैं कि गैर गुजरातियों के साथ में मारपीट करके मोदी सरकार ने अच्छा नहीं कराया, गैर गुजरातियों को भूखा प्यासा पैदल चलवा करके मोदी ने अच्छा नहीं करवाया, जो जानते हैं कि मोदी सरकार अरविंद सरकार ने जानबूझ करके मुसलमानों को तबलीगी जमात के जलसे में शामिल मुसलमानों को मरकज में फंसा करके और जानबूझ करके उसको हिंदू मुसलमान का मसला बनाया कोरोना वायरस को, उन सब लोगों से मेरा आग्रह, जिन्होंने देखो आत्महत्या के लिए विवश किया दलितों के बच्चों को, उन सबसे मेरा आग्रह है कि मोदी के अपील को खारिज करें। न केवल इसलिए भी, सारे भारत के लोग अगर बिजली बंद करेंगे तो बिजली के ग्रिड फेल हो जाएंगे। मुझे लगता है कि नरेंद्र मोदी की सरकार, वही संघ की सरकार, आज़ादी की जंग में अंग्रेजों से आज़ादी की जंग में मुखबिरी करने के लिए सुपारी ली थी गोरों से, आज मुझे लगता है सूद सहित भारत से उसका ऋण चुकता कर रहे हैं मोदी, जिस तरीके से हमारे देश को बर्बाद कर दिया है। मैं इसलिए कहना चाहता हूं आप सबों से कि बिल्कुल नरेंद्र मोदी की इस अपील को आप खारिज करें। और मैं आपसे आग्रह करता हूं, समस्या क्या है, कोरोना के लिए कोई उपचार नहीं है। क्या है, एक जगह लोगों को 11-11 कह रहे क्वारंटीन करेंगे, हम कैसे करेंगे। राजेश खुल्लर हैं वरिष्ठ IAS ऑफिसर, जो प्रधान सचिव हैं हरियाणा सरकार के, वो आए अभी लॉकडाउन के बीच में विदेश से, उनके घर उनकी कोठी पर बाहर एक पोस्टर लगाया गया और उसमें सूची पर उन्होंने फड़वा दिया, वो लॉकडाउन का उल्लंघन कर रहे हैं। तब नहीं कह रहा है कोई कि IAS कोरोना जिहाद फैला रहे हैं, कोई नहीं कह रहा है कि राजेश कुल्लर हमारे देश में कोरोना बांट रहा है, कोरोना फैला रहा है। कनिका कपूर भी आई थी, कनिका कपूर ने भी बांटा, तब किसी ने नहीं कहा। संसद में दुष्यंत आया था, दुष्यंत सिंह कनिका कपूर को मिल करके, और दुष्यंत सिंह भी जब पहुंचा संसद में, संसद दूषित हुई, तब भी नहीं कहा गया कि कोरोना बांटा जा रहा है, हर मुसलमानों को फंसा करके रखा गया, तबलीगी जमात के जलसे में शामिल मुसलमानों को मरकज में फंसा के रखा गया, और फिर षड्यंत्र के तहत कहा गया कोरोना बांट रहे हैं, कोरोना परस्पर परोस रहे हैं। मैं और आखिरी बात आप सब लोगों से कहता हूँ, आप सब लोगों से आग्रह, हमारे देश की समस्या आज क्या है, हमारे देश में सारे काम धाम बंद हो चुके हैं, हमारे देश में करोड़ों लोगों के पास खाने के लिए दाना अन्न नहीं है, तो भारत सरकार उनके लिए अन्न की व्यवस्था करे। हमारे देश की आबादी 137 करोड़ है और कोरोना के जो जांच के तौर तरीके हैं बमुश्किल, अब कल पता हमको लगा कि 11,000 लोगों का, हमारे देश में जांच की लेबोरेटरी सरकार बढ़ाए। और तीसरी बात है, सब लोगों को अन्न उपलब्ध कराया जाए, राशन कार्ड धारी हो और राशन कार्ड धारी ना हो। और चौथी बात, ये बैंकों में पैसा ट्रांसफ़र करने से कुछ नहीं होगा मोदी जी, बैंक बंद हैं आजकल, छुट्टियाँ हैं, और गरीब महिलाएँ वो ATM कार्ड यूज नहीं करती हैं, सबके घरों में नकदी पहुंचाइए। और मैं आपसे आखिरी बात करना चाहता हूं, तबलीगी जमात मरकज में जिन लोगों को षड्यंत्र के तहत मोदी जी आपकी सरकार अरविंद सरकार ने बंधक बना करके रखा, उनको कहीं जाने नहीं दिया, और आज उनको पूरा विलेन बनाया जा रहा है, आपको माफ़ी मांगनी चाहिए। अरे भाई, वो अगर कोरोना के वायरस से पीड़ित हैं, बीमार हैं, तो मुझे एक बताइए, आपने चीनी जो तबलीगी जमात में शामिल होने के लिए चीन से आया, ताइवान से आया, जो ऐसे इटली से आए, उन सब लोगों को क्यों आने दिया? वो तो कोई तबलीगी जमात के जो मौलवी हैं, उन्होंने तो वीजा क्लियर नहीं किया था। तो षड्यंत्र के तहत मोदी जी आपकी सरकार ने जानबूझ करके उन देशों से भी तबलीगी जमात के जलसे में शामिल होने के लोगों को आने दिया जहां जहां कोरोना था। ये आपकी कोरोनोलॉजी हमको समझ आ गई, आपको देश से नहीं, आपको मध्य प्रदेश की सरकार गिराने की चिंता थी, देश को बचाने की नहीं, आपको हमारे देशवासियों की चिंता नहीं थी, आपको गुजरात के जो लोग हरिद्वार देहरादून में छिपे हुए थे उनको गुजरात पहुंचाने की चिंता थी, और मोदी जी आपको कोरोना से देश को बचाने की चिंता नहीं, आपको और अरविंद केजरीवाल को देश में कोरोना को हिंदू और मुसलमान बनाने की चिंता थी। ये सब लोग हमको ध्यान रखना पड़ेगा। और फिर मैं आप सब लोगों से कहता हूँ, आपसे आग्रह करता हूँ कि बिल्कुल जिस नालायक व्यवस्था ने हमारे देश को जानबूझ करके अपने राजनीतिक स्वार्थ के लिए कोरोना की चपेट में धकेला, कोरोना को हिंदू और मुसलमान बनाया, अपने गुजरात के लोगों को दोनों रंगा और बिल्ला ने बस के माध्यम से पहुंचवाया और गैर गुजरातियों के खाल को उतरवाया है, उस रंगा और बिरला की अपील को खारिज करें। और आखिरी बात, हम सब लोगों को सोशल डिस्टेंस बना करके रहना पड़ेगा, हम सब लोगों को अपनी हिफाजत खुद करनी पड़ेगी, सरकार लाचार है, सरकार किसी प्रकार का व्यवस्था नहीं कर पा रही है। जो डॉक्टर हैं, जो स्वास्थ्य कर्मी हैं, इनकी सरकारें जगह जगह हॉस्पिटल वाले राज्य सरकारें मांग रही हैं, पर्सनल प्रोटेक्शन इक्विपमेंट्स मांग रहे हैं, वो उपलब्ध नहीं करा पा रहे हैं, सुना है कि सारा का सारा सामान बाहर भेजा रहा है। लेकिन मैं फिर कहना चाहता हूँ, मैं अपनी बात पर कायम हूँ, हमारे देश में जो आफत
नरेंद्र मोदी और संघ सरकार ने खड़ी कर दी, उससे कम खतरनाक हमारे देश में कोरोना का भय है, प्रकोप है, मैं मानता हूँ और जानता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद।